Hello everyone, welcome to Angan Public School online teaching classes. Today's lecture is Maths Magic Workbook, subject Maths. Start करेंगे हम chapter number 4, page number 92, last question number 2 हमारा pending था, और question number 9 के अंदर मैंने आपको question homework में दिए थे. So start करेंगे हमारा next question. पेज नंबर 96 स्टार्ट करेंगे यहाँ पे हम. पेज नंबर 96 स्टार्ट करेंगे सब्ट्रैक्ट स्मॉल नंबर फ्रॉम द बिग नंबर. यहाँ पे क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट स्मॉल नंबर टू बिग नंबर. हमें क्या करना है यहाँ पे, बिग नंबर में से स्मॉल नंबर हमें माइनस करना है. क्या करना है, माइनस करना है. जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने कई बार भी आपको बताया था कि आपको बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करना है. ये नंबर आपको पकड़ के चलना है, जैसे कि 9 में से हमेशा सारे नंबर माइनस करना है. क्या करना है, टोटल नंबर है, बिगर नंबर है हमारे पास 9, उसमें से हमें ये सबको माइनस करके यहाँ पे आंसर मेंशन करना है. सबसे पहले है हमारे पास 9, टोटल नंबर होता है हमारे पास 9, ये बिगर नंबर हमारे पास सबसे है 9, उसमें से हम पहले 5 कट करेंगे, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरह से. ओके, तो सबसे पहले हमारे पास 9 नंबर है, काउंट करेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. 5 हमें कट करना है, सो यहाँ पे कट करेंगे 5, 1, 2, 3, 4, 5 कट किया, आंसर आया हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4. राइट डाउन हमने किया यहाँ पे नंबर 4. उसके बाद है 4, तो हमें 4 कट करना है, 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3, 4 एंड 5. यहाँ पे आया 5, 9 minus 4 is equal to आंसर इज 5. नेक्स्ट है हमारे पास 9 में से हमें 3 कट करना है, 1, 2, 3 कट कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. यहाँ पे आंसर आया 6, 9 minus 3 is equal to 6. नेक्स्ट है हमारे पास 9, टोटल नंबर है, उसमें से -2 करना है. 9 में से हम -2 करेंगे, 1, 2 आंसर आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. यहाँ पे आंसर आएगा 7, 9 minus 2 is equal to 7. लास्ट नंबर है हमारे पास 9 minus 1, 1 हमें कट करना है, आंसर आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. यहाँ पे आंसर आएगा 8, 9 minus 1 is equal to आंसर इज. नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 8, 8 minus 4, टोटल नंबर है हमारे पास 8, में से 5 कट करना है, 1, 2, 3, 4 एंड 5 कट हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पे 8 आता है, 5 कट होगा, 1, 2 एंड 3. 9 minus 5 is equal to 3, टोटल नंबर है हमारे पास 8, 8 में से हमें 4 कट करना है, 1, 2, 3 एंड 4 कट हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4. 8 minus 4 is equal to आंसर इज 4. टोटल नंबर है हमारे पास 8 minus 3, 8 हमें में से हमें 3 कट करना है, 3 कट होगा तो आंसर होगा 1, 2, 3, 4, 5. तो ये आ गया हमारा आंसर. उसके बाद नेक्स्ट है 8 minus 2, 8 minus 2 करना है हमें, 8 में से 1, 2 कट होगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. 8 minus 2 is equal to आंसर इज 6. एंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 8 minus 1, तो 8 minus 1 कट करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 7. उसके बाद नेक्स्ट है 7 minus 5 कट करेंगे, टोटल नंबर है 7, 5 कट करना है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1 एंड 2. 7 minus 5 is equal to आंसर इज 2. नेक्स्ट है 7 minus 4, 7 में से हमें 4 कट करना, आंसर आएगा 5, 6 एंड 7. 7 में से हमें 3 कट करना है, आंसर आएगा 1, 2, 3 एंड 4. ये देखो 7 minus 3 is equal to आंसर इज 4. उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे 7 minus 2 करना है, 1, 2 कट करेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5. यहाँ पे आंसर आया 5. नेक्स्ट है 7 minus 1 करना है, तो 7 में से हम 1 कट करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 6. ओके एवरीवन, तो यहाँ तक हमारा फिनिश होता है. नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे 6 minus 5, 6 में से हम 5 कट करेंगे तो आंसर सिर्फ आएगा हमारा 1. उसके बाद है 6 minus 4, तो टोटल नंबर है हमारे पास 6 यहाँ आते हैं, और 4 हमें कट करना है, 1, 2, 3 एंड 4, 1 एंड 2. 6 minus 4 is equal to 2, टोटल नंबर है 6 हमारे पास, -3 कट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, टोटल नंबर है 6, 1, 2, 3 कट हो जाएगा, आंसर आएगा 1, 2, 3.
ये आ गया 3। 6 माइनस 3 इज इक्वल टू आंसर इज 3। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 6 माइनस 2, टोटल नंबर है 6, 1 2 कट करेंगे 1 एंड 2, आंसर होगा 1 2 3 एंड 4। 6 माइनस 2 इज इक्वल टू आंसर इज 4। नेक्स्ट है हमारे पास 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 कट करेंगे, 6 है 1 कट करना है, आंसर आएगा 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे आंसर आएगा 6 माइनस 1 इज इक्वल टू आंसर इज 5। एंड लास्ट लाइन है हमारे पास यहाँ पे 5, 5 में से 5 हमें कट करना है, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 5 माइनस 4, 5 में से हम 1 कट करेंगे, आंसर आएगा 1। नेक्स्ट है 5 में से हमें 3 कट करना है, 5 में से हम 3 कट करेंगे तो आंसर आएगा 4 एंड 5 यानी 2। नेक्स्ट है हमारे पास 5 में से हमें 2 कट करना है, आंसर आएगा 3 4 एंड 5 यानी आंसर आया 3। और लास्ट है 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू आंसर इज 4। ओके, तो ये होता है हमारा कंप्लीट। यहाँ पे क्या है कि इस तरह से आपको लिखना भी है, यहाँ पे जैसे कि ये बॉक्स है तो ये आपको यहाँ पे लिखना भी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊँगी कि आपका कौन सा वंश कितना आपको चैप्टर नंबर 4 में सब्ट्रैक्शन में लिखना। ओके, अब लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4, जॉइन द पेयर्स एंड सब्ट्रैक्टिंग। यहाँ पे क्या करना है हमें, सब्ट्रैक्ट करके उसके मैचिंग के साथ हमें मैच करना है। टोटल नंबर है हमारे पास 9, 9 हम टोटल नंबर में से माइनस 2 करेंगे तो ये रहा हमारा 9, और यहाँ से हमें 2 कट करना है, 1 एंड 2, आंसर होगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 कट करेंगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे माइनस करना है हमें 9 माइनस 2, यहाँ पे 9 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या करना है, मैचिंग। 9 माइनस 2 कितना होगा, 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इसका मैच करना है हमें। उसके बाद है 8 माइनस 2, 8 में से हमें 2 कट करना है, 8 में 2 कट करेंगे तो आंसर आएगा 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे क्या करना है, 8 में से 2 कट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 4 5 6 7 एंड 8, 6 आएगा। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कहाँ पे हमारा 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6 मोबाइल के साथ हमें मैच करना है। नेक्स्ट है हमारे पास 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 में से हम 6 कट करेंगे तो आएगा 7 8 एंड 9, आंसर इज 3। 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 टोटल नंबर है 1 2 3, 2 कट करेंगे 1 एंड 2, आंसर आएगा 1। 3 माइनस 2 इज इक्वल टू आंसर इज 1। 7 माइनस 5 टोटल नंबर है 7 एंड माइनस 5 करना है हमें, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 5 कट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, 1 2, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू आंसर इज 2, 1 एंड 2। नेक्स्ट है 8 माइनस 3, टोटल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 3 कट करेंगे 1 2 3 कट हुआ, 1 2 3 4 एंड 5, आंसर क्या आएगा हमारा। ओके, तो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू आंसर इज 5, मिक्सर ग्राइंडर है हमारे पास 5, तो उसके साथ हम करेंगे मैचिंग, 1 2 3 4 5 मैचिंग। उसके बाद नेक्स्ट है 5 माइनस 1, टोटल नंबर है 5, 1 2 3 4 एंड 5 माइनस 1, 1 2 3 एंड 4, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू आंसर इज 4। ओके, तो ये होता है हमारा पार्ट 1 फिनिश। नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपको करना है होमवर्क में। लास्ट क्वेश्चन हम इस पेज का और चैप्टर का स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे हमें फिंगर काउंटिंग भी कर सकते हो और आपको बॉल बना के भी कर सकते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि बहुत से बच्चों का भी फिंगर काउंटिंग नहीं आती है, तो मैं सबको बोलती हूँ कि प्लीज़ 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 घर पे प्रैक्टिस किया करो फिंगर काउंटिंग की, ठीक है। तो इसमें हम बॉल बना के करेंगे, किसी को अगर फिंगर काउंटिंग आती है जिसको भी वो फिंगर काउंटिंग से करो, बॉल बनाने की ज़रूरत नहीं है, जिसको नहीं आती वो इस तरह से करो। टोटल नंबर है हमारे पास 7, उसमें से हम 3 कट करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 1 2 3 एंड 4, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू आंसर इज 4। टोटल नंबर है हमारे पास 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 में से माइनस 8 कट करना है तो आंसर आएगा ओनली 1। टोटल नंबर है 6, 1 2 3 4 5 6, 6 में से हमें 1 कट करना है, आंसर आएगा 1 2 3 4 एंड 5, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू आंसर इज 5। टोटल नंबर है हमारे पास 5, 1 2 3 4 5 में से माइनस 4 यानी 4 कट करना है, आंसर आएगा 1, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1।
टोटल नंबर है 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, 6 कट करेंगे आंसर आएगा 1 एंड 2, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। टोटल नंबर है 4, 1, 2, 3 एंड 4, -2 करेंगे आंसर आएगा 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये होता है हमारा चैप्टर नंबर फोर फिनिश। ओके, तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 4 फिनिश। नाउ हमें करना है नोटबुक के अंदर चैप्टर नंबर 4 का आपको हेडिंग मेंशन करना है, और हेडिंग मेंशन करने के बाद मैंने आपको मैथ्स में नोटबुक के अंदर इतना होमवर्क अभी तक दिया हुआ है, होमवर्क पेज नंबर 88, पेज नंबर 92, और उसके अंदर लिखना है आपको क्वेश्चन 1 एंड 2 नोटबुक के अंदर। ओके एवरीवन, सो प्लीज़ कंप्लीट योर क्लास वर्क एंड होमवर्क। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड होमवर्क इज सब्ट्रैक्शन। वी विल स्टार्ट सब्ट्रैक्ट। इस तरह से हेडिंग लगाना है आपको, लिखना है यहाँ पे रेड लाइन के आफ्टर आपको लिखना है 5 माइनस 3, उसके बाद 2 लाइन लीव करके आपको थर्ड लाइन में लिखना है 8 माइनस 4, 3 लाइन लीव करके अगेन लिखना है 4 माइनस 4, उसके बाद 3 लाइन नीचे लीव करनी है आपको लिखना है 9 माइनस 1, नेक्स्ट है 7 माइनस 7, 6 माइनस 3, 9 माइनस 6, 8 माइनस 2, 6 माइनस 5, एंड एवरीबडी टर्न योर पेज। कोई क्वेश्चन दूसरी बार आ जाए सो इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, स्टार्ट करेंगे न्यू पेज के अंदर 6 माइनस 0, 8 माइनस 1, 7 माइनस 4, एंड 4-5 लाइन लीव करके आपको लिखना है 3 माइनस 2, 5 माइनस 5, एंड 9 माइनस 0। ओके, तो यहाँ तक आपका वर्क मैंने आज करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।